हेलो, मेरा नाम अंबर है। और मैं हूं नेहा। हम लोग एक 7.5 ईयर ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट्स हैं। एंड इस वीडियो में हम हर संडे नया वीडियो लाते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, जिसमें हम ऑटिज्म से रिलेटेड बातें करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बाकियों फ्रेंड्स फैमिली या बाकी जिनके बारे में पता चलता है उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बस काफ़ी रिसर्च करते हैं, काफ़ी नेट पे पढ़ते हैं, तो कुछ नई चीज़ अगर हमें पता चलती है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ऑटिज़म से रिलेटेड कई अफवाहें होती हैं जिसको लोग सच मान जाते हैं, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है EEG, टेस्ट फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज़म। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले हमारे साथ एक एक्सपीरियंस हो गया जो हमें वी डिड नॉट एक्सपेक्ट। हमें नहीं लगा था, हमें हमें कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ चीज़ होती है सीजर नाम की चीज़ जो कभी भी हो सकती है। इट डज नॉट मीन कि किसी को एपिलेप्सी, ज़रूरी नहीं है किसी को सिर्फ एपिलेप्सी हो तभी सीजर्स होते हैं या कोई प्रॉब्लम है तभी सीजर्स होते हैं। ये एक ऐसी चीज़ हुई कि हम ट्रैवल कर रहे थे एंड आवर सन ही वॉज नॉट वेल एंड मतलब थोड़ा सा फीवर था बट ऐसा कुछ लगा नहीं क्योंकि पहले भी फीवर हो चुका है कई बार। तो इस बार फीवर हुआ, मेडिसिन खाई, साथ में चले और फिर शायद फीवर बढ़ गया क्योंकि दैट्स व्हाट द डॉक्टर टोल्ड अस, फीवर बढ़ गया और देन वी हैड टू टेक हिम टू द इमरजेंसी। अब उधर उनने कहा कि ये एक सीजर हुआ है एंड दिस सीजर इज बिकॉज ऑफ वी डोंट नो वॉट। सीजर में बता दूं, मैं सीजर में एक्चुअली हुआ क्या था। हम लोग गाड़ी में जा रहे थे एंड नेहा हमारे बच्चे के साथ पीछे बैठ गई, बिकॉज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। एंड मैं गाड़ी आगे चला रहा था एंड सडनली नेहा ने बोला कि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है एंड घबरा गई। क्योंकि ही तो वॉज वी वर मैं उसको पानी पिला रही थी, वो पानी ले नहीं रहा था तो इमिडिएटली उसके पानी गिरने लगा एंड आई डिड नॉट नो वॉट टू डू एंड उसकी आईज रोल हो गई। तो दैट इज वॉट टोल्ड अस दैट देर इज समथिंग रॉन्ग। वो रिएक्ट नहीं करने लगा। हमने उसको मतलब मैं गाड़ी रोकी नहीं, बिकॉज फिर हमने एकदम गाड़ी घुमा के एकदम हॉस्पिटल की तरफ रश किए। फॉर्चुनेटली हमारे साथ एक और फ्रेंड्स और भी फ्रेंड्स कुछ जा रहे थे जो दूसरी गाड़ी में थे, हमारे साथ ही चल रहे थे, हमारी गाड़ी को फॉलो कर रहे थे। तो उन्होंने हमें, फिर उनमें से एक लेडी आके हमारे साथ बैठी, बच्चे को कम्फर्ट करने की कोशिश करी, पर वो कुछ वो एक एक आध एक मिनट के लिए के तो उसने आसपास वो रिस्पॉन्स बिल्कुल ही ही नहीं दिया रिस्पॉन्ड नहीं किया, सिर्फ। बिल्कुल जम गया, थप्पड़ मारे ने इसको, कुछ की नहीं हुआ। मैं गाड़ी जल्दी दौड़ाता रहा, नेहा ने पीछे बस उसको पानी डालने की कोशिश करी, उसकी बिल्कुल आंखें रोल हो गई। एंड ये मतलब एक बिल्कुल ही नई चीज़ हमारे साथ हुई है। एंड एंड इट वाज स्कैरी और ये किसी के साथ भी हो सकती है तो इसलिए मतलब वी वुड नॉट लाइक एनीबडी टू बी ऐसी टाइट सिचुएशन में हो। तो आप प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में रीड करें, इसके बारे में जानें कि ये होता क्या है और कैसे हो सकता है। बच्चे को हाई फीवर कभी ज़्यादा नहीं होने देना चाहिए बट देन इट्स एन अनफॉर्चुनेट इवेंट जो कभी हो सकता है तो इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। अब EEG जरूरी नहीं, मतलब हमें बताया गया कि शायद हाई फीवर की वजह से हुआ। अब EEG क्या है बेसिकली? सीजर हुआ। अब EEG क्या है बेसिकली? इलेक्ट्रोनेंसफेलोग्राफी करते इसको कहते हैं बेसिकली। एंड जो बच्चे हैं जिनको एपिलेप्सी होता है या नींद, अच्छा ये एक नई चीज़ हमें पता चली कि बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों को नींद में भी सीजर आते हैं। जब वो सो रहे होते हैं तो उनको सीजर आते हैं, एंड अवेक स्टेट में भी आ सकते हैं। अब इसका जो सीजर का जो हमने स्टैटिस्टिक्स ढूंढे कि कितने फ्रीक्वेंट आते हैं, तो इन नॉर्मल केस अगर एपिलेप्सी से रिलेटेड सीजर होता है तो जनरली 1 to 2% पॉपुलेशन में होता है, पर जिनको ऑटिज़म है उस केस में ऑलमोस्ट 20 to 40% लोगों को सीजर आ सकते हैं। तो मतलब काफ़ी हाई प्रेवलेंस हो जाता है ऑटिज़म में बच्चों का सीजर के साथ। अब सीजर कुड बी एसोसिएट विद एपिलेप्सी या विदाउट एपिलेप्सी ऑल्सो सीजर हो सकते हैं। तो फिर एपिलेप्सी है या नहीं है उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए EEG टेस्ट किया गया, और ये एक बहुत कॉमन टेस्ट है जो हमें फिर बाद में पता चला डॉक्टर से कि बाकी ऑटिस्टिक बच्चों के साथ भी करते हैं। तो हमने फिर नेट पे इसके बारे में पढ़ा तो देखा हाँ ये टेस्ट काफ़ी कॉमन है। एंड इसमें क्या होता है बेसिकली, बच्चे को लिटा देते हैं एंड इसमें उसकी ब्रेन एक्टिविटी मेजर करते हैं। तो बेसिकली उसको इलेक्ट्रोड्स सर पे अलग अलग जगह
लगा दिए जाते हैं एंड वो इलेक्ट्रोड एक वायर के थ्रू एक कंप्यूटर से कनेक्ट होता है जो बच्चे की ब्रेन एक्टिविटी को मेजर करता है एंड पता लगाता है कि आपके इसको सीजर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब जनरली इसको कोशिश की जाती है कि बच्चे जब सोते हैं बेसिकली ये इसमें तब किया जाता है बच्चों के ऊपर, जब वो सोते हैं तभी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो ऐसे रहेंगे नहीं कि आपके हाथ में कुछ आ जाए तो वो तो निकाल देंगे, तो एक स्लीप इंड्यूस किया जाता है एंड उसके लिए वो उनको व्हाट डू यू कॉल सेडेटिव, एक सेडेटिव देते हैं जिससे बच्चा सोता रहता है और आराम से एग्जामिनेशन हो जाता है, क्योंकि बच्चे को स्ट्रेट लेटना होता है और हमारे बच्चे वैसे ही स्ट्रेट, एनी रेगुलर चाइल्ड वो स्ट्रेट ना लेटे, तो उनको स्ट्रेट लेटना होता है, इसलिए उनके सर पे वो इलेक्ट्रोड जैसा हाँ वो लगा है वो के लगा के एंड काफी लगते हैं, मुझे लगता है कम से कम 25-30 मेरे जितना मेरे को याद है कि मतलब उतने लगते हैं एंड ये 1 घंटे का टेस्ट होता है, सो एक्सपेक्टिंग एन इंडिविजुअल कि वो सोए पूरा 1 घंटा विदाउट मूविंग एंड वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इट इज डन अंडर सेडेशन फॉर आवर चिल्ड्रन। अब जरूरी नहीं कि अगर 1 घंटा हमारे केस में 1 घंटा हुआ, बट डिपेंडिंग डॉक्टर क्या, ईजी का खाली सीजर नहीं, अलग 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 पर्पसेस भी है, बट डिपेंडिंग डॉक्टर क्या मेजर करना चाह रहा है उसकी ड्यूरेशन वैरी हो सकती है, बट हमारे केस में 1 घंटे का वो टेस्ट हुआ। एंड इसका फिर इसके रिजल्ट्स अगले दिन आ गए एंड वी वर टोल्ड एवरीथिंग इज ऑल राइट विच यू आर थैंकफुल वेरी थैंकफुल अबाउट, अबाउट, बट ये एक वन ऑफ एक्टिविटी थी, बट हमको बताया गया कि अगले 6 महीने तक आप केयरफुल रहिए। एंड अगर कभी आपके बच्चे को भी, और हमें एक स्प्रे दिया गया है कि अगर कभी भी लगे, हम अपने बच्चे को क्लोजली मॉनिटर करें और कभी भी लगे कि उसको फिर से सीजर आ रहा है तो वो स्प्रे उसके दोनों नॉस्ट्रल में दो दो बार स्प्रे किया जाएगा। वो स्प्रे का नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इट इज इंडिविजुअल एंड वो इंडिविजुअलाइज्ड है एंड मतलब और इट्स डॉक्टर्स के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के प्रिस्क्रिप्शन बगैर हम पे। तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वो मिलता भी नहीं है, हाँ इट इज ऐसे नॉट नहीं कि आप एवरीबॉडी लेके रख कम लीजिए। मिल जाए, ये तो आपको यू हैव टू हैव अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर इट, सो वी विल नॉट डिस्क्लोज द नेम। हाँ बट इसका यह है कि आप केयरफुल रहिए, बच्चे को मॉनिटर करिए एंड जब भी इसका लगता है सीजर आ रहा है तो हमने इसको अपने इसके शैडो टीचर को बताया हुआ है, इसके स्कूल में बताया हुआ है। अब हम मेक श्योर कर रहे हैं कि बच्चा जहाँ भी जाए हम उसके पास साथ जो भी है उसके पास वो स्प्रे हो, सो दैट कभी भी अगर भगवान ना करे अगर आगे कभी सीजर आए तो हम लोग तैयार हों। इट इज एंड टू अरेस्ट द सीजर, इट इज टू अरेस्ट द सीजर, कि सीजर वहीं पे बंद हो जाए, वहीं पे वो बच्चा एकदम से काम हो जाए, क्योंकि जब भी सीजर्स आते हैं हमें पता है कि उससे अगर ऑटिस्टिक बच्चा है तो उनके बैकलॉग हो जाता है, वो एकदम से ही और शी कैन फर्गेट, टेंड टू फर्गेट सर्टन चीजें जिसमें वो आगे बढ़ा है, तो वी वॉन्ट टू अरेस्ट दैट, वी डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन, रिग्रेशन नहीं चाहते हम, तो इसीलिए वो स्प्रे भी देते हैं एंड ईईजी इज अ गुड थिंग बिकॉज इट इज नॉट इन्वेसिव, तो ये एक काफी सेफ टेस्ट है, कोई चोट नहीं लगती, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई पेन नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं दी जाती है बच्चे को, खाली इट उसकी इज ब्रेन की जस्ट एक्टिविटी मेजर एक्टिविटी की मेजर जाती की है। जाती है, तो इट इज सो क्वाइट हाँ सेफ। तो आप अपने बारे में इस डॉक्टर से एक बार बात कर भी सकते हैं, मतलब काफ़ी लोग ऐसे भी कराते हैं ये टेस्ट, सो अपने डॉक्टर से इस ईईजी टेस्ट के बारे में बात कर सकते हैं। एंड अगर कभी भी आपके बच्चे को सीजर आए, हम घबराए थे, नेचुरली कोई भी पेरेंट घबराएगा, बट पहला आपका रिएक्शन है उसको कंफर्ट पोजीशन में लाइए, कंफर्टेबल पोजीशन उसको अपने में कोशिश करिए कि लेफ्ट साइड पे लेटाइए, टर्न करके, टर्न हाँ करके उसको लेफ्ट तरफ की तरफ टर्न करा के लेटाइए, उसका सर किसी सॉफ्ट सरफेस पे रखिए या ऐसे ऐसे पोजीशन में लाइए कि अगर वो मान लीजिए अगर इनके झटका मारता है कुछ करता है तो किसी हार्ड चीज़ से उसको चोट लगने का डर ही ना डर ना रहे, हो, सेफ इट उसमें शुड बी सेफ रहिए। हाँ एनवायरनमेंट, एंड उसको ज़्यादा छाटे मारने से या मुंह पे पानी मारने से जैसे हमने भी किया था अपने केस में कुछ ऐसा सच होगा नहीं, वो जल्दी सीजर अपना 1-1.5 मिनट का उसका साइकिल होगा एंड वो करने के बाद वो फिर ठीक हो जाए, मतलब अपना बच्चा काम नॉर्मल डाउन उसमें हो आ जाएगा। जाता जब वो वापस आता है उस स्टेट काम डाउन होता है तो उसको समझ नहीं आता उसमें देर क्या हुआ मेरे साथ, बट कोशिश करिएगा कि उसको हॉस्पिटल ले जाइए और इसका ये टेस्ट कराइएगा उनके साथ होता है, पर घबराने से कुछ नहीं होगा। है, एब्सोल्युटली हमने एक्सपीरियंस कर लिया, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपके पास कोई कमेंट्स हैं शेयर करने के लिए, अगर आपका ईईजी का कोई एक्सपीरियंस रहा है एंड इफ यू हैव समथिंग मोर टू ऐड प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, प्लीज डू गेट इन टच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।